एंड जैसे मेरे पास ये बाइसाइकिल आई थी, फर्स्ट थिंग मैंने यही नोटिस करी थी, इसमें आपको एसेरा केस मिल जाते हैं, तो मैं भी तो उसे ब्लोन आउट हो गया था। इसमें अगर आप स्पीड देखेंगे दैट इज 3/8। नाउ इस टाइम की इस बाइसाइकिल का हम ब्रेक टेस्ट करें। हे गाइस, दिस फैट बेकर वैभव। एवरीवन रिक्वेस्टेड अ लॉट कि हमें क्रेडिट की वीडियो चाहिए, एंड मैं भी हैरान हो गया था जब मैंने इस वाली बाइसाइकिल को देखा। दिस इज द XC900 मॉडल फ्रॉम क्रेडिट दैट आई रिसीव रिसेंटली। मतलब इसमें एक यूएसपी प्रोडक्ट की कि 20,000 रुपीज में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ साथ एसेरा गियर्स मिल जाते हैं, एंड बेसिकली इस स्पेसिफिकेशन की बाइसाइकिल जनरली मार्केट में 30,000 से लेकर 40,000 रुपीज की आती है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में ही चले जाएंगे तो वहां पर आपको 20,000 रुपीज में स्टील बाइसाइकिल दी जाती है। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट कि ये वाली बाइसाइकिल वर्थ है या फिर नहीं। सबसे पहले हम इसका फ्रेम चेकआउट करते हैं। दैट इज 6061 एलॉय फ्रेम। ऑब्वियसली दिस इज लाइटर देन द स्टील फ्रेम। जो फ्रेम साइज था दिस इज लाइक 18 इंच, विच आई वुड से कि जर्नली राइडर्स के हिसाब से ठीक रहता है। नाउ मैंने इसे क्लोजअप से वेल जॉब भी देखी थी तो वो मुझे काफी ज्यादा फाइन लगी एज पर द प्राइस ऑफ दिस बाइसाइकिल। अगर हम इस टोटल बाइसाइकिल का वेट देखेंगे दिस इज अंडर 15 kgs, विच इज अ लाइट बाइसाइकिल। नाउ अगर हम थीम देखेंगे इस बाइसाइकिल का तो नीचे आपको ग्रे टाइप का पेंट मिल जाता है। इसके बाद आपको इसके ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि आपको XC900 यहाँ पे दिखा होगा मल्टी कलर में। देन सामने जो क्रेडिक लिखा हुआ है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इवन ऑन द डाउन टू यू कैन सी कि ब्लैक कलर में यहाँ पर भी क्रेडिक लिखा हुआ है। अगर आप क्रेडिक की बात कर रहे हैं तो साउथ साइड पे कंपनी है, एंड जनरली आपको पता ही होगा कि साउथ इंडियंस जो होते हैं दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द बाइसाइकिल। एंड जैसे मेरे पास ये बाइसाइकिल आई थी फर्स्ट थिंग मैंने यही नोटिस करी थी, बिकॉज 20,000 रुपीज की बाइसाइकिल होती है तो सबसे पहले चीज ये देखता हूँ कि एलॉय का जो सीट पोस्ट है वो कौन सा दिया गया है, एलॉय है या स्टील है। तो ऑब्वियसली दिस वन वॉज एलॉय। एंड जनरली अगर आप जो स्टील वाले होते हैं उसमें आपको नीचे वो बोल्ट टाइप का डिजाइन लगता था जो 15mm का होता है तो वो बेसिक सा होता है। अगर आपको एनल बोल्ट इसमें लगता है दैट इज द एडवांस वन। अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हम भी मिल जाता है फ्रेम के ऊपर। ये तो सर डिफरेंट डिजाइन है इस वाले फ्रेम में, एंड ऑब्वियसली इस वाली बाइसाइकिल में भी आपको जो पीछे की ब्रेक्स मिलती है वो फ्रेम की इनसाइड ही मिलती है। जनरली जो ब्रेक्स होती हैं वो टॉप पर लगती हैं। देन इस वाली बाइसाइकिल में आपको इंटरनल केबल राउटिंग मिल जाती है, तो ऑब्वियसली जो आपकी बाइसाइकिल होती है वो ज्यादा क्लीनर लगती है एंड थोड़ी सी मॉडर्न भी लगती है। अगर इसका सस्पेंशन नोटिस करेंगे दिस इज फ्रॉम Zoom। जो इसके रिम्स हैं दीज आर डबल वॉल एलॉय रिम्स। जब मेरे पास ये बाइसाइकिल आई थी तो इसमें साथ में मुझे किट भी मिली थी जिसमें आपको मडगार्ड मिल गया था, उसके बाद लॉक मिला था, लाइट मिली थी, बेल मिली थी, एंड इवन बॉटल होल्डर तक मिला था। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप ऑनलाइन परचेज करते हैं साथ ही मिल जाती है। जिसका हैंडल बार विथ है दैट इज 680mm। अगर आप माउंटेन बाइकिंग कर रहे हैं तो दिस इज द स्टैंडर्ड विथ। अगर आप रोड बाइक के हिसाब से कंसीडर करेंगे तो मैं इसको काफी ज्यादा वाइड कहूंगा। जैसे आपको पीयू सैडल का भी ऑप्शन मिल जाता है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट ऑफ द बाइसाइकिल दैट आर द गियर्स, जो कि आपकी यूएसपी भी है इस बाइसाइकिल की। जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था इसमें आपको एसेरा गियर्स मिल जाते हैं, तो मैं भी तो उसे ब्लोन आउट हो गया था। इसमें अगर आप स्पीड देखेंगे दैट इज 3/8, तो 24 गियर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। सो अगर आप हायरार्की देखेंगे अगर शिमानो के लाइनअप में तो सबसे पहले टीजर्ट आता है, देन टूर्नी आता है, देन एल्टस आता है, फिर जाकर आपका असेरा आता है। तो ऑब्वियसली इस प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा अप मार्केट डीरेलर इसमें दिया गया है। एंड डीरेलर की बात छोड़ो, फ्रंट डीरेलर मैंने नोटिस करा वो भी आपको एल्टस का दिया गया है। जनरली जितने भी बाइसाइकिल्स मैंने देखे उसमें फ्रंट डीरेलर आपको टूर्नी दिया जाता है बिकॉज वो कंसीडर नहीं करा जाता। सबसे पहले बंदे की नजर से पीछे वाले डीरेलर पे जाती है। देन एक और डिफरेंस मैंने नोटिस किया, इसमें आपको कैसेट मिल जाती है। अब एक फ्री व्हील होती है एंड एक कैसेट होती है, दोनों की जो बॉडीज होती है उससे फर्क होता है। जब राइडिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे कैसेट ज्यादा बेटर रहती है एंड अपग्रेडेबल भी होती है। अगर आप नोटिस करोगे जो कैसेट है दैट इज आल्सो फ्रॉम शिमानो। अब इसकी जो स्पीड थी मैंने नोटिस करी थी जो काउंट की थी दैट इज 3211, लेकिन मैंने कंपनी से कंफर्म किया तो उन्होंने मुझे बोला 2811, तो मुझे इस बात का थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये जो एग्जैक्ट फैक्ट होगा आपको मैं नीचे कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा क्या एग्जैक्टली स्पीड्स है। सामने अगर आप क्रैंक नोटिस करेंगे दिस इज फ्रॉम प्रो व्हील, एंड इसमें अगर आप टूथ नोटिस करेंगे दैट इज 42, 34 एंड 24। सो ऑब्वियसली आप लो स्पीड पे भी साइकिलिंग कर सकते हैं एंड हायर स्पीड पे भी इसमें साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर हम रोलिंग की बात करें बाइसाइकिल की तो उसमें आपको सील बेयरिंग हब्स मिल जाते हैं, एंड अगर मैं हब नोटिस करूंगा तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम के हब्स मिल जाते हैं। अगर हम बाइसाइकिल की रोलिंग के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम इसके टायर नोटिस करेंगे। नाउ दीज आर फ्रॉम हिमालयन ट्रेल्स, एंड एज पर द प्राइस मैं भी बोलूंगा थोड़े से रिस्पेक्टेड टायर्स लगे हुए हैं इसमें। जनरली इस सेगमेंट की जो बाइसाइकिल्स होती हैं उसमें आपको बेसिक हार्टेक्स के टायर मिल जाते हैं। सो कंपनी ने मुझे बताया कि इसकी जो राइडिंग है दैट इज स्मूदर, एंड इसके जो वॉल है दीज आर ऑल्सो थिनर, एंड इट्स मोस्टली लाइक एन ऑल टेरेन टायर। लेकिन जैसे मैंने इसकी ग्रिप नोटिस करी तो मुझे काफी ज्यादा एग्रेसिव लगी, एंड इसी बात पर मैं इस बाइसाइकिल को ऑफ रोड टेस्ट भी करना चाहता हूँ। नाउ इस टाइम की इस बाइसाइकिल का हम ब्रेक टेस्ट करें, एंड उसके लिए मैं अपना गारमेंट यूज कर रहा हूँ जो कि मैं एक नए माउंट पर भी लगाने वाला हूँ। यहाँ पर 20 की स्पीड पर जाएंगे एंड इसकी फुल ब्रेक्स मार देंगे एंड फिर देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आती है। 9, 14,
17, 19, 20 हो गया ऑलमोस्ट. एंड 3, 2, 1 का 3.4 मीटर्स आ गया. तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मुझे वही वाली बात है, हाइड्रोलिक लगा लो. नहीं कि जब मैं नॉर्मल फिजिकली यूज कर रहा हूँ तो मुझे तो ब्रेक अच्छी लग रही थी. एज यू नो दिस चैनल इज गुड ओनली बिकॉज इट इज अनबायस्ड. एंड मैं इस वाली साइकिल का आपको डिसएडवांटेज भी बताना चाहता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिसएडवांटेज की बात ही कर रहा हूँ, तो एज सच इस प्राइस में कुछ भी डिसएडवांटेज को नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज डेफिनेटली वर्थ इट बाइसाइकिल. लेकिन तब मैंने थोड़ी सी डिसएडवांटेज फाइंड करी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो हैंडल बार है ये आपको एलॉय लग रहा होगा. दिस इज नॉट एलॉय, दिस इज स्टील हैंडल बार. तो एलॉय होता तो और भी बेटर रहता. उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे इसमें जो शिफ्टर्स हैं एंड जो ब्रेक लीवर है वो अलग है. तो इसमें कंपनी आराम से हाइड्रोलिक ब्रेक दे सकती थी. लेकिन वही वाली बात है, अगर वो हाइड्रोलिक ब्रेक देती तो इसका जो प्राइस है काफी ज्यादा बढ़ जाता, फिर वो वैल्यू फॉर मनी वाली चीज थोड़ी सी कम रह जाती. लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि इसमें जो शिफ्टर्स हैं एंड जो ब्रेक लीवर वो अलग अलग है. जनरली इस पास की जो बाइसाइकिल आती है उसमें शिफ्टर्स कंबाइंड होते हैं. तो पहले तो आपको 4,000 रुपए का खर्चा आएगा हाइड्रोलिक ब्रेक्स लेने का, उसके बाद शिफ्टर्स का अलग खर्चा आएगा. तो वो मिला के काफी ज्यादा एक्सपेंस पड़ जाता है. तो अगर आपको उसमें हाइड्रोलिक अपग्रेड करानी है तो काफी ज्यादा आपको कॉस्ट एफिशिएंट पड़ेगी. देन मैंने बॉटल होल्डर देखा तो उसमें सिंगल बॉटल होल्डर मिल जाता है, ड्यूल नहीं मिलता. लेकिन आई डोंट थिंक ये डिसएडवांटेज होगा बिकॉज सिंगल तो दिया जा रहा है. अगर मैं अपनी नोटिस करूंगा जो 5 लाख रुपीज की बाइसाइकिल है उसमें आपको सिंगल बॉटल होल्डर भी नहीं मिलता है, तो उस हिसाब से तो बॉटल होल्डर बहुत मजेदार है. नाउ द लास्ट डिसएडवांटेज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी जो स्टाइलिंग है बाइसाइकिल वो थोड़ा सा मैच्योर साइड पे है. तो मुझे लगा जो इसके फॉन्ट्स है, जो इसका कलर कोड है, जो XC900 लिखा हुआ है, वो इतना सूट नहीं करता है. बिकॉज आप देखेंगे ऑरेंज से लेकर ये ब्लू की तरफ जाता है. ये सिंगल सॉलिड कलर होता है वो काफी अच्छा लगता. एंड कमिंग टू द कंक्लूजन, क्या ये बाइसाइकिल वर्थ है कि नहीं, ऑब्वियसली मेरे कैमरामैन की एंड ब्लूपर्स में आपने देखा होगा पूरे टाइम लड़ाई ही हो रही थी इस बारे में. एंड आई वुड लाइक टू से, जनरली मैं कभी ऐसे बोलता नहीं डायरेक्टली, लेकिन डेफिनेटली एक इस प्राइस पे डेफिनेटली वर्थ है. अब दिक्कत ये है कि मेरे हिसाब से ये अंडर प्राइस बाइसाइकिल है. अभी सिर्फ अंडर 20,000 रुपीज आपको मिल रही है. ये अंडर 25 भी अगर लोगे तभी मुझे वर्थ लगी रही है. लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इशू आए अगर ये महंगी होगी प्राइस, तो लोग बोलेंगे ये तो अंडर 20,000 थी, ये 22,000 रुपीज के तो मुझे एक्सपेंसिव लग रही है. तो उस चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है कंपनी को. लेकिन अगर मैं देखूंगा स्पेसिफिकेशन वाइज जो इसकी क्वालिटी है, कंपोनेंट्स है, उस हिसाब से काफी ज्यादा बेटर बाइसाइकिल है. नाउ मैंने इसे क्लोजअप से वेल जॉब भी देखी थी तो वो मुझे काफी ज्यादा फाइन लगी एज पर द प्राइस ऑफ दिस बाइसाइकिल. दूर से दिख रही है, नहीं है. क्या बात कर रहा है, अच्छी है यार. नहीं अच्छी है यार, मतलब हाँ वो नहीं है. तुझे वो अच्छी लग रही है? अच्छा नहीं, सॉरी मैं यूनाइटेड से कंपेयर कर रहा हूं भाई. ऑब्वियस ना, फिर वही कह रहा हूं कि ये डाल दूं पूरा, ये सीन डाल दूं. ये सही रहेगा, मतलब यूनाइटेड 50,000 की साइकिल है. अभी मैं यही कर रहा था, मैं एक्चुअली मैं वेल्डिंग खुद भी करता हूँ तो मैंने सच में इसका क्लोजअप से देखा, वेल्डिंग शॉट बहुत सही था. एंड अगर आपको बाइसाइकिल बाय करनी है तो आप मेरे अमेजोन पे चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको अमेजोन का लिंक नीचे मिल जाएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पसंद आता है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड आपको ऐसी और भी बाइसाइकिल देखनी है तो मेरे चैनल चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज फैट बाइक वैभव, जिसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी. एंड आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी थोड़ा सा मिनी रिव्यू इस बाइसाइकिल का मैं देता ही रहूंगा. Thanks for watching this video guys. This is Fatbike Vaibhav signing off.